नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड लाइन एंड मोर्टार। ठीक है, आने वाली 2 से 2.5 घंटे की जो क्लास रहेगी, आज 2 क्लासेस हैं, 8 से 9, 9 से 10, 9 से 10:30। सो ये 2 क्लास जो है 2.5 घंटे की, इसमें आज मैं लाइन एंड मोर्टार को कंप्लीटली कवर करूंगा फ्रॉम 0 to advanced level। ठीक है, सबसे पहले तो बात आती है कि लाइन होता क्या है। देखो भाई, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइन क्या है। लाइन जो था पहले के टाइम का बाइंडिंग मटेरियल है। क्या है ये? बाइंडिंग मटेरियल है। पुराने टाइम में जो बाइंडिंग मटेरियल यूज हुआ करता था उसको हम लाइन कहते थे। तो ओल्ड बाइंडिंग मटेरियल दैट इज कॉल्ड लाइन। अब बात आती है कि लाइन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि बाइंडिंग मटेरियल था, तो आज के नए टाइम में बाइंडिंग मटेरियल का नाम क्या है? सीमेंट रिप्लेसेस। सीमेंट ने किसको रिप्लेस कर दिया? सीमेंट रिप्लेस्ड लाइन एज बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट रिप्लेस्ड लाइन एज बाइंडिंग मटेरियल इन अ रीसेंट टाइम। In a new age, ठीक है, cement replaced lime as binding material in new age, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि lime पुराने टाइम का binding material है, ठीक है, और पुराने टाइम का जो binding material था जिसको हम structural lime बोलते हैं is called hydraulic lime। पुराने टाइम का जो लाइन था जिसको हम स्ट्रक्चरल लाइन बोलते थे, उसको केमिकली किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोलिक लाइन के नाम से। और इन जनरल उसको इंप्योर लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्योर लाइम और इंप्योर लाइम का चक्कर क्या है। जब मैं इंप्योर लाइम की बात करता हूं तो इंप्योर लाइम के अंदर जो लाइम कंटेंट है वो लाइम कंटेंट 70% के आसपास और इंप्योरिटी इन अ फॉर्म ऑफ क्ले 30% के आसपास होती है। ठीक है, So, ये इंप्योर लाइम है। जब मैं प्योर लाइम की बात करता हूं तो प्योर लाइम के अंदर जो लाइम कंटेंट है वो 90% से ज्यादा होता है और क्ले कंटेंट 10% से कम होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, जब मैं बात करता हूं एक्स्ट्रा प्योर लाइम की जब मैं बात करता हूं, जिसको हम हाईली प्योर लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईली प्योर लाइम। तो उसके अंदर लाइम कंटेंट 95% से ज्यादा, क्ले कंटेंट 5% से भी कम। अब 3 तरीके के लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, बट स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए कौन सा लाइन यूज होता है? इंप्योर लाइन। रीजन है उसके पीछे, रीजन क्या है कि स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए हाइड्रोलिक लाइन को यूज किया जाता है और बाकी किसी लाइन को यूज नहीं किया जाता। तो मैं आपको उसके पीछे रीजन बताता हूं। देखो बेटा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। बाइंडिंग मटेरियल की जब बात होती है, तो यहां पर आपके पास पुराना बाइंडिंग मटेरियल क्या था? लाइन। और आज के टाइम में जो बाइंडिंग मटेरियल है वो कौन सा है? सीमेंट। ठीक है, जब एक्सेस में लाइन होता है
जब लाइन एक्सिस में होता है तो याद रखना एक्सिस में हार्डनेस होगी, और जब एक्सिस में हार्डनेस होगी तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ब्रिटलनेस इंक्रीज होगी। और अगर स्ट्रक्चर में ब्रिटलनेस इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि क्रैक्स कैन बी डेवलप्ड, क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और उस केस में स्ट्रक्चर के अंदर क्या बढ़ जाएगा, अनसाउंडनेस, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अनसाउंडनेस का मतलब क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, लाइन के अंदर एक्सेस लाइन की बात होती है और एक्सेसिव हार्डनेस की बात होती है, एक्सेसिव ब्रिटलनेस की बात होती है, क्रैक्स की बात होती है, वॉल्यूम चेंज की बात होती है। अगर यहां पर मैं क्या लिख दूं, प्योर लाइन, क्या लिख दूं, प्योर लाइन, ठीक है, क्या लिख दूं, प्योर लाइन। अब देखना मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनना, अगर यहां पर लिख रहा हूं मैं हाइड्रोलिक लाइन, कौन सा लाइन, हाइड्रोलिक लाइन, ठीक है, हाइड्रोलिक लाइन के केस में याद रखना लाइन का कंटेंट कम हो जाएगा, लाइन इज लिमिटेड। जब लाइन का कंटेंट लिमिटेड होएगा तो हार्डनेस कैसी होगी बेटा, डिजायरेबल, ना ज्यादा होगी ना कम होगी, डिजायरेबल हार्डनेस मिलेगी आपको। और डिजायरेबल हार्डनेस के केस में अनसाउंडनेस के चांसेस क्या होंगे, आर वेरी लेस। अनसाउंडनेस के चांसेस क्या हो जाएंगे बेटा, बहुत कम हो जाएंगे। अब यहां पर देखना, बात कर रहा हूं मैं सीमेंट की, सीमेंट के साथ भी यही है, लाइन यहां पर क्या होता है, वेरी लिमिटेड, और इतना लिमिटेड है कि यहां पर भी आप जब हार्डनेस की बात करते हो तो डिजायरेबल हार्डनेस मिलती है और अनसाउंडनेस के चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा, आर वेरी लेस। अगर मैं यहां पर लिखता हूं लेस तो यहां पर समझ जाना वेरी लेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर लाइन कितना था, 70%। सीमेंट के अंदर लाइन कितना होता है, सीमेंट के अंदर लाइन कितना होता है, 67%। नहीं आया समझ, सो क्या मैं कह सकता हूं इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, क्या मैं बोल सकता हूं इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। इसके अंदर क्ले कितना परसेंट, 33%, और इसके अंदर क्ले कितना परसेंट, 30%। तो क्या हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक लाइन प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू पोर्टलैंड सीमेंट प्रॉपर्टीज, तो देयरफॉर हाइड्रोलिक लाइन ऑफर सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द रीसेंट
बाइंडिंग मटीरियल सीमेंट। क्लियर हो गया अच्छे से? अच्छा अब ये देखना, देयरफॉर फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस हाइड्रोलिक लाइम एंड पोर्टलैंड सीमेंट इज रिकमेंडेड एज अ बाइंडिंग मटीरियल। ठीक है, अब बस फर्क क्या है, ये वाला जो बाइंडिंग मटीरियल है पुराने टाइम का बाइंडिंग मटेरियल है, ये वाला जो बाइंडिंग मटेरियल है ये नए टाइम का बाइंडिंग मटेरियल है। दिस इज अ डिफरेंस, दिस इज अ डिफरेंस। बाइंडिंग मटेरियल ये भी था, बाइंडिंग मटेरियल ये भी था, ये पुराने टाइम का, ये नए टाइम का, दैट्स इट। ठीक है, तभी कहा जाता है आज के टाइम में भी अगर पोर्टलैंड सीमेंट आसानी से अवेलेबल ना हो तो उसको रिप्लेस करके पुराने टाइम का बाइंडिंग मटेरियल आज भी यूज कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक लाइम। क्लियर है? अब देखो, मैंने आपको कई बार बताया है लाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी वजह से अगर स्ट्रेंथ और हार्डनेस मिलती हो तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइम का कंटेंट अगर एक्सेस में होएगा तो हार्डनेस कैसी मिलेगी, एक्सेसिव हार्डनेस मिलेगी, और एक्सेसिव हार्डनेस की वजह से ब्रिटलनेस एक्सेस में होगी, और एक्सेस में ब्रिटलनेस होने की वजह से और क्रैक्स डेवलप होने की वजह से स्ट्रक्चर के ऊपर अनसाउंडनेस की बात होगी। एक्सेस लाइम कॉजेस समझ में आया अनसाउंडनेस। क्लियर हो गया अच्छे से? क्लियर है? अब देखो ये नोट में याद रखना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है, क्वेश्चन इज हाउ लाइम इज ऑब्टेन्ड, लाइम कैसे ऑब्टेन्ड होता है, क्वेश्चन इज दिस।
ठीक है। तो देखो बेटा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, लाइम को ऑप्टेन करना है अगर आपको, तो द लाइम इज ऑप्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। CaCO3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब CaCO3 को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करते वक्त जो टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। हीटिंग टेम्परेचर जब 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होएगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CaO + CO2, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या चीज है, दिस इज अ गैस, और ये क्या चीज है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर लाइम। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ लाइमस्टोन इज लाइम। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइमस्टोन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइमस्टोन, दैट इज लाइम। अब देखो ये जो लाइम है इज क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर बिफोर यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। अगर आप लाइम को यूज करना चाहते हो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो बेटा लाइम को पहले क्या करोगे, आप क्रश करोगे किसमें, फाइन पाउडर में, बिफोर यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। समझ में आ गई बात। अब क्या होता है, इस लाइम को जब आप एक्चुअल यूज में लेते हो तो क्या करोगे, इसके अंदर वाटर ऐड करोगे। वाटर ऐड करने से क्या होता है, वाटर ऐड करने से क्या होता है वो जरा ध्यान से सुनना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हीट। सो ये भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कैसी केमिकल रिएक्शन है बताओ, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, और जब ये हीट रिलीज होती है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होने का मतलब क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम। दिस केमिकल रिएक्शन इज रेफर्ड एज स्लैकिंग ऑफ लाइम। और वॉट इज स्लैकिंग ऑफ लाइम, इट इज नथिंग बट अ हाइड्रेशन ऑफ लाइम। ये क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रेशन ऑफ लाइम है ये, और हाइड्रेशन ऑफ लाइम को ही मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्लैकिंग ऑफ लाइम। क्यों, स्लैकिंग का मतलब होता है जलना, जलने का मतलब जब इसके अंदर पानी डाला जाता है तो हीट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होने की वजह से इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। ठीक है, सो देयरफॉर व्हेन लाइम इज हाइड्रेटेड, जब लाइम को हाइड्रेट करते हैं, देन
हीट इज रिलीज्ड इन इमेंस क्वांटिटी, ठीक है, और हीट किसमें रिप्रेजेंट की जाती है, कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल्स पर ग्राम, ठीक है। देयरफोर दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइन। इसको बेटा हम क्या कह रहे हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइन भी बोल रहे हैं। बेटा कितने लोगों को समझ आ गई है, क्लियर है? अब इसी वजह से देखो इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ गया स्लैक्ड लाइन। क्या नाम पड़ गया, स्लैक्ड लाइन। अब जरा मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, हाइड्रेशन ऑफ लाइन होने की वजह से हमें स्लैक्ड लाइन मिला। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्लैकिंग ऑफ लाइन, क्योंकि इमेंस क्वांटिटी में हीट रिलीज हो रही है। अब देखो लाइन कंटेंट, नोट में याद रखना इस बात को, जो लाइन कंटेंट होता है, ठीक है, गवर्न करता है द क्वांटम ऑफ हीट टू बी रिलीज्ड। इसका मतलब जो प्योर लाइम होता है चाहे हाईली प्योर लाइम की बात करूं चाहे प्योर लाइम की बात करूं, दोनों लाइम ऑफर greater quantum of heat। इसका मतलब ये हुआ कि हीट इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा रिलीज होगी, ड्यू टू देयर स्लैकिंग। इसका मतलब क्या हुआ, स्लैकिंग अब देखो ध्यान से सुनना, लाइम का कंटेंट ज्यादा मतलब क्या, लाइम विल गेट हाइड्रेटेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, सो केमिकल रिएक्शन कॉन्टिन्यू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक केमिकल रिएक्शन होगी। और ऐसा लाइन जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन काफी लंबे समय तक चल रही हो, इसका मतलब हीट will get released for long। ठीक है, heat will be released for long। और heat अगर lime will get hydrated for longer duration, chemical reaction continue for longer duration, heat will be released for long, and iska matlab slacking will be more। So iska matlab kya hua, mota mota simple ye likh sakta hu, heat of hydration
या हीट ड्यू टू स्लैकिंग, काफी ज्यादा होगी और जितना ज्यादा हीट रिलीज होती है बेटा, जितना ज्यादा केमिकल रिएक्शन होता है उतना ज्यादा हार्डनेस अचीव होगी, और हार्डनेस जितना ज्यादा अचीव होगी, और अगर हार्डनेस एक्सेस में हो गई तो स्ट्रक्चर ब्रिटल हो जाएगा और अनसाउंडनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो इसको अगर मैं शॉर्ट टर्म में लिखूं, बहुत ही एक एक लाइन में अगर मैं लिखूं इसको, तो ऐसे भी लिख सकता हूं, लाइम का कंटेंट ज्यादा होने से क्या होता है, हम कह सकते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम विल बी मोर, स्लैकिंग ऑफ लाइम विल बी मोर, और स्लैकिंग ऑफ लाइम विल बी मोर, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है हीट विल बी रिलीज मोर, और हीट विल बी रिलीज मोर मतलब अनसाउंडनेस के चांसेस ज्यादा, सिंपल। कंक्लूजन, लाइम कंटेंट गवर्न्स द क्वांटम ऑफ हीट टू बी रिलीज्ड, प्योर लाइम, हाईली प्योर लाइम ऑफर ग्रेटर क्वांटम ऑफ हीट ड्यू टू देयर स्लैकिंग, लाइम अगर ज्यादा है तो स्लैकिंग ज्यादा है, स्लैकिंग ज्यादा है तो हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा है तो बेटा हार्डनेस एक्सेस है, यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से जो हार्डनेस अचीव हो रही है वो ज्यादा हो रही है और अनसाउंडनेस के चांसेस ज्यादा है। केमिकल रिएक्शन तो हर एक टाइप के लाइन के अंदर होगी, चाहे प्योर हो, चाहे इम्प्योर हो, चाहे हाईली प्योर हो, लेकिन कितना देर तक केमिकल रिएक्शन हो रही है, कितना स्लैकिंग हो रही है, कितना हीट रिलीज हो रही है, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा कि लाइन अनसाउंडनेस ऑफर करेगा या नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया अच्छे से? अब आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने क्या बताया, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइन, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको क्या बोला हमने, स्लैक लाइम, जो स्लैक लाइम होता है उसको शुड बी यूज्ड एज सून एज पॉसिबल एज बाइंडिंग मटीरियल, जिसको हम हाइड्रेटेड लाइम भी बोल रहे हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेटेड लाइम भी बोल रहे हैं। शुड बी यूज एज अ बाइंडिंग मटीरियल, कैसा बाइंडिंग मटीरियल, हाइड्रेटेड लाइम बाइंडिंग मटीरियल, ठीक है। सिंस, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, since it has high affinity का मतलब क्या है, very reactive with atmospheric air, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ? और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये। इसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट। क्या मैंने वर्ड यूज किया? प्रेसिपिटेट। क्या बना देगा? प्रेसिपिटेट, पीपीटी। और क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रेसिपिटेट बन गया। CaCO3। बेटा क्लियर हो गया? बेटा जो लोग यहां बैठे हैं सबको समझ आ रहा है अच्छे से? कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब बताओ, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, यहां से चले थे यहीं पहुंच गए। अगर अगर हमने स्लैग्ड लाइन को जल्दी से यूज नहीं किया तो ये स्लैग्ड लाइन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दोबारा से क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो योगी, एक बात ठीक है ना, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, लाइन जो है तीन तरीके का हो गया। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइन। एक हो गया हाईली प्योर लाइन, हाईली प्योर लाइन का मतलब क्या हुआ? हाईली प्योर लाइन का मतलब क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं बेटा फैट लाइन और व्हाइट लाइन। अब व्हाइट लाइन क्यों बोलते हैं, फैट लाइन क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। सेकंड टाइप का लाइन कौन सा है? प्योर लाइन। प्योर लाइन को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइन और क्रीम लाइन। ठीक है, और तीसरा लाइन कौन सा है बेटा? इम्प्योर लाइन। इम्प्योर लाइन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक लाइन। एक सेकंड।
वायर नीचे से हिल जाती है, पेंटेप चलना बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखो इन तीनों लाइन में बात करें तो इसके अंदर लाइन कंटेंट कितना, क्लियर कंटेंट कितना, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, प्योर इम्प्योर लाइन में फर्क समझ में आ गया। अब यहां पर जो क्ले कंटेंट है, क्ले इज रेफर्ड एज इम्प्योरिटी इन अ लाइन। क्ले को हम कैसे रेफर करते हैं बेटा, इंप्योरिटी की तरीके से लाइन में, क्ले इज रेफर्ड एज इंप्योरिटी इन अ लाइन। क्लियर हुआ बेटा, नहीं आया समझ? किसी का कोई डाउट है, मैं कमेंट सेक्शन देख पा रहा हूं, किसी का कोई डाउट हो पूछ ले बेटा। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं। व्हाइट लाइन, ठीक है, अब देखो कलर ऑफ लाइन इज गवर्न्ड बाय एक्चुअल कंटेंट ऑफ कैल्शियम इन लाइन। ग्रेटर इज द कैल्शियम कंटेंट इफ ग्रेटर इज द लाइन। ठीक है, क्लियर है? अब ये देखो लाइम कंटेंट ज्यादा तो कैल्शियम कंटेंट ज्यादा, कलर ऑफ लाइम इज गवर्न्ड बाय एक्चुअल कंटेंट ऑफ कैल्शियम इन लाइम। सो व्हाइटनेस मैक्सिमम एग्जिस्ट
इन हाईली प्योर लाइम। देयरफोर हाईली प्योर लाइम जो होगा बेटा इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट लाइम। बेटा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। अब इस लाइन को फैट लाइन क्यों बोलते हैं? अब देखो बेटा, ये हमने किसकी बात करी है? फैट लाइन और व्हाइट लाइन की, ठीक है? क्लियर। लाइम के अंदर कलर ऑफ लाइम इज गवर्न बाय एक्चुअल कंटेंट ऑफ कैल्शियम इन लाइम। ग्रेटर इज द कैल्शियम कंटेंट इफ ग्रेटर इज द लाइम। आर यू गेटिंग इट? व्हाइटनेस मैक्सिमम किसमें है? हाईली प्योर लाइम में। अब देखो दूसरा है आपका कि इसको हम फैट लाइम क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो देखो मैं क्या लिखता यहां पर, जो हाईली प्योर लाइम हैज अ टेंडेंसी to expand its volume, highly pure line जो है उसकी tendency है to expand its volume, और देखा गया है कि sometimes it increases its volume. Up to 2.5 times of its initial volume. ठीक है, due to unsoundness. क्या मैंने बोला? Unsoundness. अब बताओ, मैंने आपको बताया था जो हाईली प्योर लाइम होता है उसके अंदर लाइम कंटेंट मोर देन 95% है, यानी कि इसके अंदर लाइम कंटेंट एक्सेस लाइम है, हाईली प्योर लाइम है, लाइम कंटेंट 85% से ज्यादा है। और जिस लाइम के अंदर 85% से ज्यादा लाइमी कंटेंट है वो लाइम कंटेंट 85% से ज्यादा होने की वजह से उस लाइम के अंदर उस लाइम को यूज करने की वजह से एक्सेसिव हार्डनेस होगी, एक्सेसिव ब्रिटलनेस होगी, और एक्सेसिव क्रैक्स होंगे, एक्सेसिव वॉल्यूम इंक्रीज होएगा और एक्सेसिव वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? यानी कि अनसाउंडनेस एक्सेस में होगी। सो कहने का मतलब यह हुआ, हाईली प्योर लाइम के अंदर एक्सेसिव वॉल्यूम इंक्रीज होता है जिसकी वजह से अनसाउंडनेस भी एक्सेस में होती है, और इसी वजह से देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, समटाइम इट इंक्रीजेस। क्या लिखा है?
sometime it increases its volume up to 2.5 times of its initial volume due to unsoundness. That is why it is called fat line. अब समझ में आया फैट लाइन क्यों बोलते हैं, व्हाइट लाइन क्यों बोलते हैं, फैट लाइन क्यों बोलते हैं, हाईली प्योर लाइन को फैट लाइन क्यों बोलते हैं, व्हाइट लाइन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. दिस इज द रीजन. ठीक है, दिस इज द रीजन. चलिए बेटा एक काम करते हैं, आगे की बात नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. आगे की जो बात है नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. मैंने आज बताया था आज बैक टू बैक दो सेशन है. ठीक है, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन ऑफ YouTube. AM जो कि बच चुका है. ज्वाइन मी इन नेक्स्ट 2 मिनट्स. 2 मिनट में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनली. जहां पर हमने कंप्लीट किया है यहीं से हम आगे बढ़ेंगे. ओके, थैंक यू. ठीक है, ओके, थैंक यू. ज्वाइन करो, अभी मैं दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है, इसको एंड